जौहर पटेल जी। मैं 50 साल वर्षीय, हमारी बीवी थी वो गुजर गई जी। चार बच्चे हैं आपके? छोटे छोटे हैं। अच्छा, लेट शादी हुई इस वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जी। सर यही मैं समझता कि अगर हमारे कुछ साधन मिल जाता रोटी कमाने खाने के लिए जी, तो हम जीते खाते हम भी। अभी आप क्या काम करते हैं? ये खेती गृहस्थी में लड़ाई दसाई करते हैं, इसी से 100-200 रुपये, 150 रुपये कभी मिलता है तो 150-200 मिलता है, रोज कमाते हैं, रोज पानी पीते हैं। और तो करने लायक तो है नहीं जी। पायलट थे, कमाते थे, अल्लाह में तो वो पहले दिहाड़ी कम थी और अनाज पानी भी सस्ता था जी। अब तो महंगाई हो गई जी। पढ़ते हैं बच्चे? पहले जाता था एक तो चिल्हा गाँव में, तो ऐसे छोटा वाला जो पहले जो ओवरब्रिज नहीं बना था तो कितना घायल हो जाते जी। सर हम कहें कि नहीं पड़ेगा, पढ़े चलना पड़े बेटा, हमारे सामने रहे जी। एक पुन्ना लेंगे, हम ही है, हम मर जाएगा बेटा है ना, तो ये किसके लिए और कोई पास तो किसी और ने मदद नहीं की आपकी? तो सब मदद, हम गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं, हमारे प्रधान भी नहीं हम लोग को मदद करता है, कुछ नहीं करता जी। कोटा फोटा वाला नहीं, यहाँ भी नहीं कोटा है ना गाँव में कोटा है, रही गई यही हमारी जवानी, अब बुढ़ापा यही हमारे बीच। तो अभी आप क्या सब्जी की रेडी चाहते हैं जी? सब्जी की रेडी लगवानी है ना आपको? ठीक है, तो आपके लिए बात करते हैं जी। ठीक है, तो जैसे भी मेहरबानी होगी तो हो जाएगी। सरकार गरीबों का जो भला करता है ऊपर वाला उसका भला करता है, मैं यही हमारी दुआ है और आशीर्वाद है। बस ये ऊपर वाले की दुआ कि हम आपसे मिले हैं और आपकी मदद हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जी, है ना। ठीक है, आपके लिए बात करते हैं आगे, जितनी जल्दी हो पाएगा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। रवि पटेल, हम दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं, परिवार में? परिवार में दो गो मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे हैं। समस्या हो रही, कमाए खाने में दिक्कत हो रही है, दिहाड़ी मिल नहीं रही है, रोजगारी परेशानी हो रही है, इसलिए कुछ कमाए खाए वाला मिल जाए साधन खेली चलिए। ये आपकी आँख में क्या हुआ? ये आँख में बचपन में चोट लगी है। बचपन में चोट लगी थी? बचपन से ही आपको नहीं दिखता फिर? ऐसा ही सब के कारण ना दिखा पा रहे। तो बिल्कुल नहीं दिखता आपके साथ? अब इस तरह दिखता है। कितनी उम्र में हुआ था ये? ये उम्र हमारे 10 साल के रहा, तभी हुआ है। 10 साल की उम्र में हुआ था, अभी आप 30 साल के हैं? 30 साल, 20 साल हो गए आपको एक आँख से ही दिखता सिर्फ। तो सब्जी की दुकान लगाना चाहते हैं? तो सब्जी की ये रेड़ी कैसे, कहाँ पर लगाएंगे फिर आप? रेड़ी हम जैसे तिलोकपुरी है जी, जैसे पटपट है, ऐसे ऐसे घूम के बेचेंगे। फेरी लगाएंगे आप रेड़ी से? फेरी। तो कौन सा रेड़ी चाहिए आपको, साइकिल वाला कौन सा वाला? ये जो 3 पहिया जिनमें जैसे माल, 3 पहिया जो साइकिल लगती जिसके आगे रेड़ी मिल जाएगा तो अपना माल अपना बेचेंगे। देखा आप लोगों ने कितनी दर्दनाक इनकी स्टोरी है, एंड हमारी टीम एक बार मदद से बेहतर यही कोशिश करती है कि उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। तो आज नमन एंड सोनम की मैरिज एनिवर्सरी है तो उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हमारी टीम ने इन दोनों को एक नया रोजगार खुला है, आइए देखते हैं। तो दुकान के हमने तराजू वगैरह सारा सामान ले लिया, टोकरियां भी ले ली हैं, अब चलते हैं सब्जी खरीदने के लिए। तो दोनों रेड़ियां यहीं पे सजाएंगे अभी हम, पूरी एकदम बना लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे एक रेडी एक भैया को देने के लिए, फिर दूसरी रेडी दूसरे भैया को देने के लिए। तो दोनों की तैयारियां एक साथ चल रही हैं।
तो दोनों रेड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। पहली रेड़ी ये है, दूसरी रेड़ी ये है, दोनों में सब्जियाँ भी लग गई हैं, रेड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब सर बारी रह गई है इन रेड़ियों को उन तक पहुँचाना जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए पहले एक रेड़ी लेके चलते हैं। तो अभी जा रहे हैं भैया के घर में, जो पहले वाले भैया जिनको रेड़ी देनी है उनको घर से लेके आते हैं, पहले उनको रेड़ी देते हैं, फिर चलेंगे दूसरे वाले भैया के घर में रेड़ी लेके। नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक है, चलिए आइए बैठिए बैठिए। पूरा वही जो साइकिल लगा होता आगे रेडी के उसी टाइप का चाहिए ना, पूरा तीन चक्के वाली ना। आइए भैया, किस तरीके की चाहिए? यही वाला, ऐसी इसी तरीके का दुकान बढ़िया हो जाएगा अगर ऐसी दुकान मिल गई तो। समझिए दुकान आज से आपकी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया है, बहुत मदद होगी, अब खुशहाली से हो जाएगा पूरा। आपको धन्यवाद देगा, आपको जो है खुशहाली देगा, क्या है कि घर में तो बच्चे खुश हो गए, खुश हो जाएंगे बच्चे, आशीर्वाद देंगे। आप खुश हैं? तराजू हो गया आपका, ठीक है, ये पत्थर हो गया, 2 किलो से लेके 50 ग्राम तक का पूरा पत्थर है। तो अभी आज से आप अपना दुकान शुरू कर सकते हैं, ये रेडी आपकी है, आज से आप पूरी इस दुकान के मालिक हैं, ठीक है। जहाँ दिल करेगा, जब दिल करेगा तब बेचेंगे आप, ठीक है। इसे मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, जिंदगी आगे बढ़िए। बस ये हमने जीना चाहता हूँ साहब, आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बच्चों भी आशीर्वाद देंगे, जाएंगे तो खुशी हो, खुशहाल रहेगी जी। बस आपकी खुशी से बढ़कर और क्या हमारे लिए जी, हमारे भी खुशी, आपकी भी खुशी होगी जी। आप खुश हैं, हम भी खुश हैं। दुकान चलाइए आप, और दुकान में जो सामान खत्म होगा सब्जी और लाने के लिए ये पैसे रखिए। इनसे जो सब्जी भी खत्म होगी और लेके आना, अपना दुकानदारी चलाइएगा, ठीक है। तो हम चल रहे हैं ये दूसरी रेडी लेके उन दूसरे भैया के घर के पास, उनको ये रेडी देने के लिए। चलिए सरप्राइज करते हैं भैया को। कैसे भैया? ठीक है भैया, आइए। सब्जी का रेडी चाहिए था ना आपको, तो अभी एक बार दिखा, एक रेडी देख लो आप, अगर ऐसे चलेगा तो इसके साथ का बनवा देंगे आपके लिए, ठीक है, आइए। ये देखिए ये रेडी चल रहा है, इसी तरीके के चाहिए आपको? हाँ, ऐसे चाहिए ना, ये साइकिल लाइकिल लगाओ आगे, ये सब चीज़ें। तो अभी क्या काम करते हो? अभी ये सर बिलदारी करते हैं। हाँ हाँ, काम में मिल जाता तो कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, चलाएंगे सब्जी? मंडी से सब्जी ले लेंगे वो। हाँ, और सब्जी लेके अपना घूम के बेचेंगे सर, फेरी लगा के बेचा करेंगे। हाँ, कि कहीं अड्डा लगाएंगे?
नहीं फेरी लगा के बेचेंगे। फेरी लगाएंगे आप? इस तरह का रेडी ठीक रहेगा फेरी लगाने के लिए आपको? हाँ इस तरह ठीक रहेगा। रेडी मिलने से क्या क्या दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी? दिक्कत होने की खाना पीने की दिक्कत नहीं कम हो जाएगी। और लेकिन के सुनी के तरीके पैसा दिया जाएगा। अच्छा समझो रेडी आपकी है। बढ़िया लग रही है। बढ़िया खुश है आप? ये आपकी दुकान है आज आपके लिए लगे हुए थे सुबह से हम। खुशी लग रही है सर। कितना खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। अच्छा मिठाई बांटेंगे आज आप? कुछ भी बिस्कुट बिस्कुट आदि बांट के अपना खुशी है सर। अच्छा जो बच्चे होते हैं गांव में उनको बांटेंगे आज? नहीं जो हमारे जूती के बगल का घर होता है वहाँ पे जी उनको बांटेंगे। टॉफी बांटेंगे उनको आज? टॉफी बिस्कुट ये कुछ भी दुकान मिलने की खुशी में। आज के बाद आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर आप मालिक हैं अपना मेहनत कीजिए दुकान चलाइए पैसा कमाइए और जीवन में आगे बढ़िए। जो भी समस्या आ रही जीवन में कुछ कम हो पाएंगी इससे? हाँ इससे बहुत कम होगी सर। बहुत कम हो जाएंगी? सर नहीं नहीं अरे हमारे लिए ऐसा नहीं। अरे आप जो दिए हैं सर इसी में खुश हैं जी। आपके कृपा से हम आगे बढ़ेंगे जी। हम भी ये चाहते हैं आप खुश रहें और जीवन में आगे बढ़े अपना घर परिवार अच्छे से चलाएं। ठीक है और ये दुकान आपकी और साथ में पैसे रखिए। जो सामान ख़त्म होगा खरीदेगा ठीक है और सामान और डालिएगा दुकान में और जीवन में आगे बढ़िएगा। ठीक है।